सर, ये जो कॉमन हॉल में आज बैठक की गई है और किन किन बिंदुओं पर आज बैठक में कार्यकर्ताओं से वार्तालाप चल रही है, हम आपसे जानेंगे, वो भी पूरे परिचय के साथ में। सबसे पहले आपका परिचय होगा जी, बताइए। मैं दिनेश कुमार बारी जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बारी। ये हमारी जो बैठक है ये सामाजिक एकता के उसमें बैठक है और कोविड के बाद ये हमारी बैठक हो रही है जी, पहली है कोविड के बाद में पहली बैठक है जी। कोविड के पहले हमारे कार्यक्रम हुआ करते रहे हैं लेकिन नहीं हो पाए कोविड। हमें सामाजिक जो लोग हमारे हैं उनको संगठित करना मुख्य उद्देश्य है, संगठित करके उनकी शिक्षा पे, जो हमारे समाज के ऊपर कुछ अत्याचार कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे दबंग लोग हैं, हमारी संख्या 3-4% है, 3 गांव के बाद एक गांव में हमारे 3-4 घर मिले, ये स्थिति है हमारे समाज की। तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है कुछ लड़कियाँ हैं किडनैप कर लिए गए, कुछ लड़के किडनैप कर लिए गए, हम लोगों ने उसके बारे में बहुत संघर्ष किया है और कुछ उसके परिणाम मिले भी हैं। तो उसी संबंध में ये है कि हम समाज को कैसे एकत्र करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें, हम अपने बच्चों को शिक्षा में कैसे बढ़ाएँ, रोजगार में बढ़ाएँ। हमारे बच्चे जो कुछ पढ़ लिख गए हैं, बहुत एग्ज़ाम दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन उनका कहीं रिजल्ट में नाम नहीं है। अन्य कास्ट के लोगों का आ जाएगा लेकिन मारी बिरादरी का नाम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से वो आउट कर दिया जाएगा। और हम लोग इतने दिन से सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भोजन पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, हम लोगों की किसी भी पार्टी के द्वारा सम्मानजनक उत्तर नहीं दिया गया कि आइए आपको भी हम अपने संगठन में समायोजित करते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके अब हम लोगों का ये विचार आया है कि क्यों ना ही अब हम लोग एक अपने समाज की सामाजिक राजनीतिक पार्टी बनाएं। उस उद्देश्य से हमारा मुख्य चर्चा आज हमारा उसी उद्देश्य पे है कि हम लोग अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएं और खुद ही हम लोग अपनी लड़ाई। अभी बैठक के दौरान जो चर्चा हो रही थी खासकर बारी समाज को लेकर, तो इनका क्या इतिहास रहा है बारी समाज का, ये हम आपसे जानेंगे। बारी समाज में हमारे पूर्वज तीरथ बारी और रूपन बारी हैं जी। तीरथ बारी जो है राजा उदय प्रताप सिंह जी को, महाराणा प्रताप जी के पिताजी को, जब उनके भाई जो है बनवीर सिंह उनको मारने की प्लानिंग की थी तो पन्ना राया ने रूपन बारी से कहा था कि इनको उदय प्रताप जी को बाहर निकालना है महल से और इनको किस तरीके से निकाला जाए आप ही एक हमारे विश्वास पात्र हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो विश्वास पात्र ही हैं। तो उन्होंने एक जूठे पत्तल की टोकरी ली और जूठे पत्तल की टोकरी में उदय प्रताप जी को रखकर महल से बाहर निकाल करके ले गए। पन्ना धाया जी ने अपने लड़के को उदय प्रताप जी की जगह लिटाया जिसको बनवीर ने मारा। और उसी के बाद तीरथ बारी को एक जूठे पत्तल ने उठाने वाले की संज्ञा देकर प्रस्तुत किया गया कई लेखकों के द्वारा। तो ये बताइए कि यदि तीरथ बारी जैसा महान योद्धा किसी व्यक्ति की जान बचाता है तो निसंदेह ही वह बड़ा ही ताकतवर वाला होगा, कमजोर हृदय का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और समाज को लेकर बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई है, और कौन कौन से ऐसे मेन अहम बिंदु हैं? सामाजिक रूप से जी बहुत ही पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यानी हर तरीके से पिछड़ा ही हुआ है।